नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर स्थित सदर मेन रोड पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब ज्वेलरी शॉप में पहुंचे बदमाश ने संचालक की आंखों में मिर्ची झोंकी और सोने की झुमकी लेकर भाग निकला। दुकान संचालक ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने पीछा किया, लेकिन लुटेरा भाग निकला। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरी की तलाश शुरू करती है। इस संबंध में कैंट TI अरविंद चौबे ने बताया कि सदर मेन रोड पर स्थित ज्वेलरी शॉप में दोपहर 3 बजे के लगभग एक युवक आया और उसने दुकान संचालक ने सोने की झुमकी देखने के लिए मांगी। दुकान संचालक ने ट्रे में झुमकी दिखाना शुरू किया, एक के बाद एक झुमकी देखता रहा। इस बीच युवक ने लाल मिर्च पाउडर निकालकर दुकान संचालक की आंखों में झोंका और करीब 30 ग्राम सोने की झुमकी लेकर भाग निकला। आंखों में मिर्ची डालते ही दुकान संचालक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिन्होंने लुटेरे का पीछा किया, लेकिन वो दो पहिया वाहन से भाग निकला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिन्होंने दिन दहाड़े हुई घटना पर आक्रोश जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद लुटेरे की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।